75 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में 97 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 148 नए मरीज सामने आ चुके हैं और लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 148 नए मरीज निकलकर सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,393 नए मरीज हो चुके हैं और 97 नए मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में अभी तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है और 97 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं छत्तीसगढ़ से। अगर बात करें मध्य प्रदेश के तो 72 नए मरीज कोरोना की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर में फिर 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कॉल सेंटर में अब तक 35 कोरोना मरीज मिले हैं। होशंगाबाद रोड में बड़ी कॉल सेंटर को बंद करने की तैयारी की गई है। और इधर बात करें छत्तीसगढ़ की तो रायपुर में कोरोना के 97 नए मरीज मिले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास राजधानी रायपुर से संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, क्या कुछ हालात छत्तीसगढ़ के, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कोरोना का और भी दिन ब दिन विकराल रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो है बीती रात को फिर जो है 97 नए मरीज निकल कर सामने आए हैं और कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1400 के करीब जो है वो पहुंच चुका है। और वहीं एक्टिव मरीजों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में एक्टिव मरीज जो है वो भी अगर बात करें तो 982 हो गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। तो इस तरीके से लगातार जो मरीज है वो बढ़ते जा रहा है और सबसे अधिक जो मरीज है अभी 97 मरीज में 40 मरीज जो है वो अकेले बिलासपुर से सामने आए हैं। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो भी अब बढ़ गया है, क्योंकि एकाएक जो है हर दिन 100 से अधिक मरीज जो है वो लगातार मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं अभी जो आंकड़े सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें से प्रवासी मजदूर भी क्या इनमें शामिल है? जी बिल्कुल, प्रवासी मजदूरों के साथ जो स्थानीय रहवासी है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस हेड कांस्टेबल जो कोरोना की चपेट में आए थे उनका पूरा परिवार जो है वो कोरोना की चपेट में आ गया था। तो इस तरीके से संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो भी ठंडे के नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि मंगलवार को जो है सिर्फ 14 से 17 मामले के बीच ही जो मामले हैं वो सामने आए थे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में रोज जो है 100 मरीजों के ऊपर ही जो मरीज है वो मिल रहे हैं। जी सुप्रिया, लोगों में कितनी ज्यादा एहतियात लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लोगों को छूट है वो भी दी जा रही है लगातार, छूट अब लगभग छूट मिल ही चुकी है, तो किस तरह से लोग सतर्क रह रहे हैं और कितनी सावधानी बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है छूट काफी ज्यादा दी गई है। धार्मिक स्थलों को खोला गया है, साथ ही यहाँ पर जो मॉल है, उद्यान है, उन्हें खोलने का निर्देश अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन धार्मिक स्थलों के साथ ही यहाँ पर जो सभी बाजार है वो खुले गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू जो है वो रहता है, लेकिन उसके पहले जो है सभी तरह की दुकानें जो है वो खोली गई हैं और साथ ही तमाम जो लोग हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी जाती है। सभी मास्क लगाकर ही दुकानों में प्रवेश करते नजर आते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो ठंडे का नाम नहीं लेती। बाजारों में जो है आज भी अगर छत्तीसगढ़ की बाजार की हम बात करें तो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा नजर आती है। बाजारों में लोगों की भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ ना के बराबर होता है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और भी जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। जी जी सुप्रिया, स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी देखी जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है वो एकदम से ही बड़ा है, तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना तैयार है?
स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो बिल्कुल तैयारियां जो है वो की जा रही है। राजधानी के इंडोर स्टेडियम को कोविड 19 अस्पताल बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कई स्थान जो है उसे भी कोविड अस्पताल बनाने की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। तो राजधानी में भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो तैयारियां कर रहा है और बिस्तरों के जो इंतजाम है वो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और कोरोना संक्रमितों का जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उस तरीके से अब सिर्फ ये फैसला भी लिया जा रहा है कि सिर्फ गंभीर मरीजों को जो है उन्हें ही अस्पताल में जो है भर्ती किया जाएगा। तो इस तरीके से फैसला जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। कृपया आप हमारे साथ में बने रहिएगा। राजधानी भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से राजधानी भोपाल में आंकड़ा बढ़ गया है कोरोना का, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है पॉजिटिव मरीजों को लेकर? मैं आपको बता दूं कि अनलॉक वन का एक हफ्ता गुजर गया है और अनलॉक वन के साथ में जो रियायतें दी गई थी सरकार की तरफ से जनता को, उसके साथ ही कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी बीते दिन ही राजधानी भोपाल में 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, आज फिर वहीं पर तो आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका एक जो बड़ा कारण है वो मिलने वाली रियायतों को माना जा रहा है। और जब से लोगों को छूट दी गई है आंकड़े में काफी हद तक रफ्तार देखी गई है और 2000 के पार जो भोपाल का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और हर रोज एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं जिनको भर्ती कराया जाता है और बड़ी संख्या में जांच भी हो रही है। और सुप्रिया भी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़ी हुई है। सुप्रिया, जांच की अगर बात की जाए तो कितने लोगों की लगभग एक दिन में जांच हो रही है? एक दिन में अगर जांच की बात करें तो महज 4,000 लोगों की जो जांच है वो एक दिन में हो रही है और साथ ही जांच के साथ जो परिणाम है वो 3 से 4 दिनों में जो आते हैं। और साथ ही टेस्ट की बात की जाए तो आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से भी अभी जो जांच है वो कोरोना की चल रही है। जी सुप्रिया, एक देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें, मुंबई की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, तो जो आंकड़ा है वो पीक पॉइंट पर पहुंचा और धीरे धीरे कर अब जो है ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ने लगा है। पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्राफ लगातार अब धीरे धीरे कर बढ़ने लगा है। कह सकते हैं कि जो पीक पॉइंट है वो अभी आने में वक्त है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। पर हमारे साथ में दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर जो अभी पाए गए हैं? क्या जहांगीराबाद और बाणगंगा इलाके के भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं वह जहांगीराबाद तो प्रदेश का सबसे हॉटस्पॉट इलाका बना ही हुआ था, उसके बाद जो राजधानी भोपाल के कुछ नए इलाके हैं बाणगंगा, ऐशबाग, काजी कैंप, यहां पर भी यह हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। उसके अलावा एक नई खबर निकल कर आ रही सामने कि जो शॉपिंग मॉल खोलने का फैसला लिया था सरकार ने, उसमें एक निजी मॉल है होशंगाबाद रोड में C21, वहां पर 108 कर्मचारी का कॉल सेंटर है जहां पर वह भी हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया है। लगभग 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज तक की डेट में मिल चुके हैं। करीब 8 तारीख को यह मॉल खुला था, 3 दिन हो रहे हैं, 3 दिन में लगातार वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। आज 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसके पहले 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे उसी कॉल सेंटर में। फिलहाल उस जो कॉल सेंटर को बंद करने की तैयारी अब हो रही है। और इसके अलावा जो बात की जाए, हम शॉपिंग जो मॉल खोलने का फैसला लिया था सरकार ने उससे और रियायतें जो दी गई थी उससे कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुर्गेश, हमारे साथ में सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो कोरोना का पीक पॉइंट आया नहीं है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पहले की बात करें तो पहले स्थिति जो है काफी नियंत्रण में थी और अभी एकाएक जैसे छत्तीसगढ़ में मजदूरों को लौटने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से ही छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों से जो है कोरोना के मरीज जो है वो आ सकते हैं, कुछ ही राज्य जो है वो बचे होंगे। तो इस तरीके छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से जो कोरोना के मरीज है वो सामने आ रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ही जिले जो है जो कोरोना संक्रमण से बचे होंगे। और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी भारी संख्या में जो है कोरोना के मरीज जो है वो आ रहे हैं और लगातार जो एहतियात है वो बढ़ती जाती है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो है
कर्फ्यू का जो ऐलान है वो किया गया है। 7 बजे तक सभी जो दुकानें हैं वो खोलने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार COVID-19 के सेंटर्स खोले जा रहे हैं, और साथ ही जिस तरह की जो व्यवस्था है वो भी लगातार की जा रही है। और साथ ही इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है, लगातार सभी को मास्क लगाने की जो हिदायत है वो भी दी जाती है। जी दुर्गेश, आपके पास आऊंगी। राजधानी भोपाल में एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए, तो नया आंकड़ा क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनको लेकर यदि नए आंकड़े की हम बात करें तो यह नया आंकड़ा 2000 के पार जा चुका है। और लगातार यदि इसी तरह से अनलॉक बन रहा और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाहर जो प्रशासन ने जब रियायत दी थी वहां पर स्पष्ट तौर से निर्देश दिए गए थे कि मास्क कंपलसरी लगाए जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मगर यदि हम बाजारों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, चाहे शॉपिंग मॉल पर जाएं या शराब की दुकानों पर जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिख जाएंगी आम जनता। उसके बाद प्रशासन भी अब शांत उसमें चला गया है, प्रशासन भी अब इस पर मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से नतीजा यह निकल रहा है कि लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी दुर्गेश, और अब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह से रियायतें दी गई हैं और लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा सजग दिखाई दे रहा है? क्योंकि आंकड़ा जो है कहना गलत नहीं होगा, पर और ज्यादा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यदि हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के दौरान चाहे नगर निगम की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या पुलिस विभाग की टीम हो, सभी मुस्तैद नजर आती थी। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ, अनलॉकडाउन वन हुआ और जैसे ही जनता को रियायतें दी गई, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अब प्रशासन भी रियायतों के दौर पर आ चुका है। कहीं पर भी ना सड़क पर पुलिस नजर आती है, नगर निगम की टीम भी सख्त नजर नहीं आती है, और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जिस तरीके से पहले लगी हुई थी उस तरीके से भी इस पे बहुत ही ढीलापन बढ़ता जा रहा है और मुस्तैद नजर नहीं आ रही है, जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर जनता को एक तरफ रियायतें दी जा रही है, वहीं प्रशासन भी एक तरफ से रियायत के मूड पर नजर आ रहा है, और उसका नतीजा यह निकल रहा है कि कोरोना आंकड़े लगातार ग्राफ में बढ़ता जा रहा है उनका। जी दुर्गेश, और मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल ही दो ऐसे शहर थे जहां जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफी हद तक ज्यादा है, और इंदौर में तो हमने देखा कि जांच में भी काफी हद तक वृद्धि की गई है, तो क्या इस तरह की वृद्धि भोपाल में भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जैसे ही रियायतें दी गई उसी के साथ साथ ही अब मध्य प्रदेश एक तो दूसरा शहर है ही है, मध्य प्रदेश में दूसरा शहर है कोरोना आंकड़े का सबसे ज्यादा, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार इंदौर में नियंत्रण नहीं हो पा रहा था कोरोना आंकड़ों का, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, उसी के साथ साथ ही राजधानी भोपाल का भी यही माहौल बनता जा रहा है। और भोपाल में भी दूसरे नंबर पर है प्रदेश की राजधानी जहां पर कोरोना आंकड़े सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, और लगातार यदि इसी प्रकार से छूट दी जा रही है और यदि पालन नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो राजधानी भोपाल में और भी लगातार बढ़ोतरी हो सकती है कोरोना पॉजिटिव की। जी सुप्रिया, आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ सरकार में हमने देखा कि जैसे ही कोरोना का एंट्री ली भारत में, तभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ खास कदम उठाए थे ताकि जो कोरोना है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश ना कर सके, पर अब जब इतना ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कोई कठोर कदम छत्तीसगढ़ सरकार उठा सकती है अब आगे? जी बिल्कुल, आगे जो है छत्तीसगढ़ सरकार कठोर कदम उठा सकती है, लेकिन अभी जो है किसी तरह के कठोर कदम की बात करना जो है वो जो करना मुश्किल होगा, जो पर काफी गाड़ियां जो है वो दौड़ रही है। और साथ ही बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में हर दुकान में जो है भीड़ देखने को मिलती है, वहां पर सिर्फ सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया जाता है और मास्क लगाकर प्रवेश करने की जो हिदायत है वो दी जाती है, लेकिन सिर्फ इतने से ही कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं भागता है, तो ये लोगों की समझ में नहीं आता है। और साथ ही अब पुलिस प्रशासन भी लोगों को बोल बोल के जो है थक चुका है कि कितना ही लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। कितना भी अगर उनसे कहा जाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, मास्क तो आपको हर लोगों के चेहरे पर दिखेगा, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो काफी लापरवाह होते हुए नजर आते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बिल्कुल सुप्रिया, और ये हमें भी समझना होगा क्योंकि इसको लेकर हम हमेशा जिम्मेदार शासन और प्रशासन को ठहराते हैं, पर हमें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है, तभी हम कोरोना पर कंट्रोल कर सकते हैं और कोरोना मुक्त भारत बना सकते हैं। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए तमाम शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जो
कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ भी ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो इसकी चपेट में तो आया ही है, साथ ही आंकड़ा भी अब आसमान पर पहुंचने लगा है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से